हरियाणा के कैथल में हैफेट के एक गोदाम में सरकारी डिपो पर गरीबों के लिए भेजे जाने वाले राशन में धांधली पाई गई है। दरअसल हैफेट विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत जिंद रोड स्थित गोदाम में रखी गेहूं के कट्टों में गड़बड़ी करने की फिराक में पानी का छिड़काव किया जा रहा था। गेहूं की बोरियों पर पानी का छिड़काव करने की सूचना जब मीडिया कर्मियों के माध्यम से अधिकारियों को मिली तो हैफेट विभाग के MD सुरेश वैद्य तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच के लिए 4 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया जो दोपहर 2 बजे तक इस पूरे मामले पर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और इसी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, मुझे सुबह टेलीफोन के माध्यम से पता लगा है, एक शिकायत आई थी कि भाई आपके गोदाम में गेहूँ के पानी की बौछार की है, तो मैंने तुरंत प्रभाव से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जिसमें सक्षम अधिकारी शामिल हैं। वो तुरंत जैसे भी उनकी रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर कौन इंस्पेक्टर है? इसमें राजपाल FI है, यहाँ पे फील्ड इंस्पेक्टर है जो स्टोरेज का काम देता है और उसके ऊपर जो सुखदीप मैनेजर है वो वहाँ पे सेंट्रल इंचार्ज है। तो इसमें सर जैसे आपने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, तो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कब तक आएगी और जो दोषी कर्मचारी या अधिकारी हैं उन पर कब तक कार्रवाई हो पाएगी? इनका मैंने जो अपनी कमेटी के ऑर्डर किए हैं उसमें इमीडिएटली मैंने तुरंत प्रभाव से मतलब जांच करके रिपोर्ट मांगी है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं तुरंत ही मतलब कि मुख्यालय के संज्ञान में मैंने दे दिया है, चेयरमैन साहब के संज्ञान में मामला है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी तुरंत प्रभाव से मुख्यालय में भेज करके कार्रवाई की है। तो वैसे ऐसे जो ठेकेदार या इंस्पेक्टर को क्या चेतावनी देना चाहिए पानी? हाँ, इस बारे में हमने पहले ही मतलब इस विषय पे बड़ी गंभीरता से हमने लिया है। हर मीटिंग हमारी जो होती है मंथली, उसमें हम स्टोर कीपर को कहते हैं कि अपना जो स्टॉक है वो सही तरीके से रखें, किसी तरह की कोई उसमें लूज बैग, किसी तरह की कोई कम बैग, किसी तरह का कोई पानी की कोई भी अवैध गतिविधि ना हो, इस बारे में मैं उनको मंथली मीटिंग में हमेशा अवगत कराता रहता हूँ। अगर यहाँ पे कर्मचारी ने ऐसा कुछ किया है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। तो सर क्या कुछ कार्रवाई बनती है अगर ऐसा पानी पहुँचाते हैं? उसमें अगर स्टॉक के साथ छेड़छाड़ है तो क्रिमिनल एक्शन है, तो हम तो रिकमेंड करेंगे क्रिमिनल एक्शन के लिए रिकमेंड करेंगे। तो उसमें पानी जो भी होगा वो रिपोर्ट की जैसी रिपोर्ट आएगी उसी के मुताबिक। वहीं सूचना के बाद जब मीडिया कर्मी मौके पर पहुंचे तो आनन फानन में विभाग के कर्मचारी गोदाम का गेट बंद करते हुए नजर आए। बता दें कि गेहूं का भार बढ़ाने के लिए कुछ कर्मचारी राशन में चपत लगाने की कोशिश करते हैं, न जीतदन। जब तक राशन सरकारी डिपो पर पहुंचता है तब आधे से ज्यादा अनाज खराब हो चुका है। ये भी बता दें कि कैथल में ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।